हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पुंगड़ियों में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह महान है, दयालु है, करुणा निधि है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह जो हम सभी को सुंदर रात दिखाई, सुबह दिखाई, सुंदर सुनहरा अवसर दिखाया, ये दिन जोड़ा है, इसके लिए मेरे प्रियजन हम सभी लोग यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे। ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य, धन्यवाद करने के योग्य। मेरे प्रियजनों, हम सभी को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है परमेश्वर को। ठीक है, हम सभी को धन्यवाद देना है मेरे प्रियजनों। ठीक है, यीशु मसीह सभी को जीवित रखता है, संभाल के रखता है, अपने पुंखियों में छिपा के रखता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नाश हो। मन फिराने का अवसर देता है, पश्चाताप करने का समय देता है, वो घड़ी और दिन दिखाता है, टाइम दिखाता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रियजनों। जो परमेश्वर ने हमें समय दिया, ये टाइम दिया, घड़ी दिया, ये दिन दिखाता है, तो इस समय को, दिन को, घड़ी को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, बहुमूल्य समझना है। अपने गुनाहों से तौबा करना है, पश्चाताप करना है। यीशु मसीह ने कहा है पश्चाताप नहीं तो क्षमा भी नहीं। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के बैठ जाना है, अपने पापों को, गुनाहों को यीशु मसीह के सामने मानना है, छोड़ना है, पश्चाताप करना है। यीशु मसीह महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को पोछेगा, हमारी बीमारियों को, गरीबी को, तंगी को, परेशानी को दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी के पापों को, अधर्मों को, गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, हमारा परमेश्वर महान है, भला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा और करुणा निधि है। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में, बीमारी में हैं, उदासी में, बेचैनी में, निराशा में, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, आज आपको परमेश्वर से बोलना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो हमारे आंसुओं को, हमारे दुखों को, हमारी गरीबी को, हमारी बीमारियों को दूर करेगा। जो का तू कंद परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। वो परमेश्वर जानता ही, वो महान परमेश्वर है, वो दयावंत है, वो दयालु है, वह महाराजा है, वह राजाओं का राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, मैं जब संकट संकेति में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, समस्याओं में ग्रस्त हैं, जकड़े हुए, जूझ रहे हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। मेरे प्रिय, जो उसने सब दुखों को, उसने सब दुखों में उसने भी दुख उठाया। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने जो सजा हमें मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और कलरी क्रूस पर चढ़ गया हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसको 49 कोड़े लगवा दिए, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट गूंद कर रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको 49 कोड़े लगवाए गए। उन 49 कोड़ों के साथ मेरे प्रियजनों, उसका मांस तक खींच कर चला आता था। इतना दर्द, इतनी पीड़ाएं यीशु मसीह ने हम सभी के लिए ले लिया। जो सजा हम लोगों को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, जो बीमारी, समस्याएं थी, दुख थे, बीमारी थे, पाप थे, तो यीशु मसीह ने उसने अपने ऊपर ले लिया, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, और हमारा परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वह जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि कोई मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। मेरे प्रियजनों, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हम सभी को जी लाएगा, अपने वचनों के अनुसार हम सभी को जी लाएगा, वह अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा मत डर, क्योंकि तू फिर अपमानित ना होगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। मेरे प्रियजनों, हम सभी को बुराई से अलग रहना, दूर रहना है और प्रेम से प्यार करना है, प्रीति रखना है, उससे प्यार करना है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, जो बैर करते हैं उनसे प्रेम करना है। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हारी मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या इच्छाएं, क्या जरूरतें, क्या आवश्यकताएं हैं।
ओ परमेश्वर जानता है, ओ इतना महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया, पाजों को शुद्ध किया है, वो यहोवा जुलावर है, उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो उससे नहीं हो सकता। मेरे प्रियजनों, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा जुलावर है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। मेरे प्रियजनों, जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। ठीक है, हम सभी को प्रार्थना में जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान मेरे पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता मेरे प्रभु, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को मेरे पिता जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों में छिपा के रखा है मेरे पिता। इसके लिए पिता यीशु पापा आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे प्रभु जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते फिर भी नहीं मानते प्रभु, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, जो कभी नहीं मिल पाते हैं मेरे पिता, वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता जहाँ पर धनवान अभी भी मौजूद है पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगानुग उड़ता रहता है, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है, नाम लेके बुलाया है मेरे पिता। आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, मेरा ही है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने कहा है जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तेरी अगुवाई करूँगा, उसी मार्ग पर मैं तेरा हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर हूँ, उसी मार्ग पर मैं तेरा हाथ पकड़कर चलाऊंगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता, प्रार्थना करते पिता आपके दास होने के नाते पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भवन अपने मोबाइल पे पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं पिता और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करें मेरे पिता। जो पिता हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे जो बेड पे पड़े हैं, इन्हें कैंसर है, गल्टियाँ, रसौलियाँ, पथरियाँ, नए प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं पिता, ये नहीं चंगे और ये नहीं आजाद हो पा रहे हैं। यीशु मसीह आपके नाम से पिता, आपके दास होने के नाते मेरे पिता इनके जीवनों में यीशु मसीह हम आदेश देते हैं पिता, ये मसीह बहन आजाद हो जाए, आजाद हो जाए बोलकर आजाद हो जाओ, हमें आजाद हो जाओ बोलकर हमने। यीशु मसीह आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे पिता आपके नाम से मांगते, आपके नाम से पुकारते, गुहाड़ते मेरे ईश्वर में, मेरे पिता मसीह बाबा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता जिनके घर में दुष्ट आत्माओं के बंधन है पिता, हर एक कराधरा के बंधन है, गंदी आत्माओं के बंधन, दुष्ट आत्माओं की बदुरी, गंदी आत्माओं के बंधन है यीशु मसीह के नाम से, वे बंधन टूट जाए, वे जल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आपने हमें सामर्थ्य दिया है पिता, मेरे पिता आपके वचनों के अनुसार पिता इनके जीवन में आदेश देते पिता, वे जल जाए, वे जल जाए यीशु मसीह ने आपने कहा है पिता। कोई याकूब के घराने पे तंत्र मंत्र जादू विद्या काम नहीं कर सकते, मेरे पिता आपका वचन कहता है। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, मेरे प्रभु आपके नाम से मेरे पिता दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, मेरे परमेश्वर पिता उनकी अवकाश नहीं पिता कि वे आपके सामने खड़े रह सकें, टिके रह सकें पिता, हर एक को छू ले पिता। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो गर्मी में जूझ रो रहे हैं, बिलग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके आंसू बह रहे हैं पिता, आप उनके आंसू को पोछिए पिता। आपने स्वर्ग का जीवन देने वाले परमेश्वर है पिता, आपने कहा मैं तेरे गरीबी को, तंगी को, परेशानी को दूर करूंगा, केवल तू विश्वास रख मेरे पिता आपके जीवन में पिता, वो चेंजिंग लाइए, वो बदलाव लाइए, वो हीलिंग लाइए। मेरे पिता अपने वचनों के अनुसार पिता इनके जीवन में पिता आप अद्भुत मिराकल कीजिए, आप चमत्कार कीजिए पिता, इनके जीवन शैली बदल जाए, इनकी गरीबी तंगी परेशानी दूर हो जाए, ये बहुत ही जातियों को धार देने बन जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, जिन परिवारों
में लड़ाई झगड़े होते हुए फूट भी धर्म दामत वाला पन है मेरे पिता आपके नाम से। पिता ये सभी बंधन टूट जाए, हर जादू टोना के बंधन टूट जाए, हर लड़ाई झगड़ा के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता आप महान हैं, पिता आप दयालु हैं। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, आपके नाम से पुकारते। पिता ये मसीह बहन आजाद हो जाए, आजाद हो जाओ, आज़ादी को महसूस करो, आज़ादी को महसूस करो। आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम से वो आज़ादी आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता प्रार्थना करते प्रभु जो मसीह बहन पिता रात में नहीं सो पाते हैं मेरे पिता, जिन्हें डर लगता है भय लगता है प्रभु, जब लेटे मेरे पिता तब नहीं सो की नींद दीजिए पिता, कोई गंदा कोई डरावना सपना न पाए। पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। पिता मुझे आशा विश्वास है प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है, छोटे से मिलती उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और पवन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा आमीन। इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुने पिता और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे स्वामी। मेरे पिता आपके नाम से पिता ये चंगे हो जाए, ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। मेरे पिता जो हॉस्पिटल में एडमिट, जो खाट पे जो बेड पे पड़े हैं, जो आखिरी सांस ले रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मेरे पिता यीशु मसीह आप इनके आंसू को पोछे। मेरे पिता इनकी बीमारियों को, तंगी को, परेशानी को आप दूर करें, इनको चंगा करें पिता। मेरे पिता किसी को कैंसर, गिल्टी, रसोलिया, पथरिया, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है यीशु मसीह आपके नाम से ये आजाद हो जाए बोलकर आजाद हो जाओ आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आपने कहा है तुम्हारा छुटकारा निकट होगा मेरे पिता, यीशु पिता आपने कहा है मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता जो गरीब है पिता, जो लाचार है मसीह बन, जो कमाने रहे नहीं पिता, जो 100-100 रुपए उधार ले रहे हैं, हाथ फैला रहे मेरे स्वामी। मेरे पिता सबको छोड़ छाड़ के यीशु मसीह आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लिए पिता, आप इनका जीवन संभाल लिए मेरे पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे यीशु मसीह मेरे पिता। क्योंकि आपने कहा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे पिता इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए मेरे स्वामी। मेरे पिता इनके घरों को पिता आशीष से ले पिता, वो गरीबी, वो तंगी, वो परेशानी दूर होने पाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए पिता। बहुत सारी जातियों को उद्धार देने बनने पाए, इनके जीवन में समस्या वो चेंजिंग आने पाए, इनके जीवन में समस्या वो बदलाव आने पाए, इनके जीवन में समस्या वो आज़ादी आने पाए समस्या के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र पवित्र मेरे स्वामी जो हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुनाह हुए मेरे स्वामी आप माफ करें, क्षमा करें मेरे पिता। क्योंकि मेरे पिता हम मानव जात पिता, हम मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, पापों में गुनाहों में व्यभिचार में गिर सकते हैं मेरे पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता। मेरे पिता आपने कहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता। आपने लहू से मेरे स्वामी हम सभी को शुद्ध करे पिता, पवित्र करे पिता, पवित्र करे मेरे पिता, ताकि आपके राज्य में जाने के लायक बन सके मेरे पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह भाई के जीवन में गंदी आत्माएं हैं, बदरूही चाले हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं, हर करादर के बंधन है, जादू टोना के बंधन के जीवन यीशु मसीह इनके ऊपर कराए धरा के बंधन यीशु मसीह के नाम से वे जल जाएं यीशु मसीह के नाम से, जल जाएं यीशु मसीह के नाम से, जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। पिता को से दूर खड़ कर फेंक दी जाए यीशु मसीह के नाम से, ये आजाद नहीं पाए इनके घरों में, आजादी नहीं पाए इनके जीवन में, आजादी नहीं पाए, ये आजाद नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक शराब से, हर एक गंदी आत्माओं से ये आजाद नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। बोलकर आजाद हो जाओ आमीन, बोलकर आजाद हो जाओ आमीन। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से। टच मी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा छू ले पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते जो मसीह बाबा रात में नहीं सो पाते पिता, जिसे डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते, ख्याल आता है प्रभु, जब लेटे यीशु मसीह तब इन्हें सुख की नींद दे पिता। मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भयभीत न होगा, जब तू लेटेगा तब तुझको सुख की नींद आएगी मेरे स्वामी। इन वचनों के पिता इन मसीह भवनों के जिनमें चमत्कार करे पिता, वो आजादी रिलीज करे पिता। मेरे प्रभु मुझे आशा विश्वास से पिता अपने प्राणों को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और पवन नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।